हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा को लेकर के, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल की हम लोग बात करेंगे, संरचना, कार्यकाल, योग्यता और इसके इलेक्शन को लेकर के। तो ये आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की संरचना को लेकर के। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट को लेकर के। सबसे ऊपर आती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किससे बनती है भाई? तीन चीजों से मिलकर के बनती है। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आपका हो गया राज्यसभा, और फिर हो गया आपका लोकसभा। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 79, और जब राज्यसभा की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 80, और लोकसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 81। तो ध्यान रखिए, लोकसभा सदन का प्रथम या निम्न सदन। अब देखिए, लोकसभा के कई नाम है, जैसे कि इसको अस्थाई सदन भी बोलते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं, और निम्न सदन भी बोलते हैं। अब जनता का सदन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें जो भी मेंबर आता है उसको डायरेक्ट जनता चूज करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जनता का सदन। बात करी जाए तो मैंने बता ही दिया कि आर्टिकल 81 हमें ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। मैक्सिमम नंबर बताया गया है कि 552 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने हैं? 545। अब ये 545 कैसे बनते हैं? देखिए, 530 जो मेंबर है वो कहां से आते हैं? राज्यों से आते हैं, और 13 कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। और साथ ही साथ दो जो होते हैं वो होते हैं एग्लो भारतीय, या इनको कहा जाता है एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि वो अंग्रेज जिनको अब भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जो भारत में रह रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, उनको बोलते हैं एग्लो इंडियन, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के, तो इसमें सीटें अभी कितनी है? प्रेजेंट टाइम में अभी यहां पे 13 सीटें है ना, लेकिन टोटल यहां से कितनी है? 15, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि इतनी जनसंख्या ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से यहां पे 13 ही सीटें हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे एग्लो इंडियन को लेकर के, ठीक है। तो 2019 में क्या करा गया, ये एक प्रस्ताव लेकर के आया गया कि जो दो सीटें हैं एग्लो इंडियन की, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और फिर अगस्त 2001 में सांसद ने क्या करा, 84वां संविधान संशोधन करा। इसमें यह बताया गया कि लोकसभा और जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक क्या कह रहेंगी, यथावत रखने का प्रावधान किया गया। मतलब ये सीटें अब क्या हो जाएंगी, 2026 तक फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, तो ये कौन कर सकता है भाई? हर वो भारत का नागरिक कर सकता है जो 18+ है, ठीक है। जो 18+ है वो क्या कर सकता है, इसके लिए वोट कर सकता है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे लोकसभा के कार्यकाल को लेकर के, तो ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। अब लोकसभा की जो बैठक है ना, वो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भाई एक बार करा लिया और फिर आप बैठ गए जाकर के, ठीक है। तो 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 108 सांसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। अब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मनी बिल है ना, तो उसको लेकर के लोकसभा का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, और संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे समझ लेते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अब क्या योग्यता होनी चाहिए भाई, कौन मेंबर बन सकता है? तो सिंपल सी बात यह है कि भाई भारत का नागरिक हो, दूसरा यह है कि 25 साल या उससे अधिक, और पागल या दिवाले ना हो, और सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी क्या बताई गई है, ये इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है, योग्यता बताई गई है। इसी तरीके से यहां पे बात कर लेते हैं लोकसभा के स्पीकर को लेकर के। अब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच में से ही होता है। जो मेंबर इसके चूज होकर के आते हैं उसी में से ये मेंबर ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन रहेगा, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और वो अपनी शपथ एक सामान्य सदस्य के रूप में लेता है, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। वो ऐसा थोड़ी रहता है कि हम मैं लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं, वो एक नॉर्मल सा मेंबर होता है। लेकिन ये जो सदस्य होते हैं यही क्या करेंगे, अपना अध्यक्ष चूज करेंगे। लोकसभा भंग होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है,
जब तक कि नई निर्वाचित लोकसभा का पहला अधिवेशन न हो जाए, ठीक है। ऐसे वो स्पीकर अपने पद पर रहेगा और जब फिर से चुनाव हो जाएगा, फिर से चीजें आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी, तब तक फिर उसके बाद वो अपना पद त्याग देगा। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, और उसका अंतिम निर्णय किसके हाथ में होता है? लोकसभा के हाथ में। इसी तरीके से स्पीकर पहली बार मतदान नहीं करता, गतिरोध को दूर करने के लिए वह अपने निर्णायक पद का उपयोग करता है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या हो गया, यहाँ पे मामला टाई हो गया, बराबर हो गया, किसी कानून को बनाने में बराबर हो गया, तो फिर क्या करता है यहाँ पे स्पीकर अपना वोट डाल करके और आखिर में फैसला ले लिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष को कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत पद द्वारा से हटाया जा सकता है। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए 15 मेंबर हैं, ठीक है, 15 में से 10 ने कह दिया कि भाई इसको हटाना है, तो वो बंदा हट जाएगा अध्यक्ष पद से। इसी तरीके से देश के पहले लोकसभा के अध्यक्ष KGV मावलंकर, वह पहली महिला की बात करें तो ये थी मीरा कुमारी जी। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, महिला की बात करें मीरा कुमारी जी, और अगर मैं बात कर लेता हूं लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर के, वो थे KGV मावलंकर। इसी तरीके से यहां पे आगे बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। वे नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होते, अस्थायी सदस्य होते हैं स्पीकर के द्वारा। तो गाइस ये थी महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा को लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।